शुभम ने ना इनको दीपो तोड़ने के लिए भेजा, ये इकट्ठे कर रहे थाली लेके आ रही है। दोनों बहनें निपानी बना रही है मेरे लिए। यहाँ पे ना बेसिकली बेबी कॉर्न्स की खेती बहुत ज्यादा होती है। ये देखो कितने बड़े निकले, इसमें बाल बाल है भाई। ओए ये मिर्ची का पेड़ है, वो कितने सारी चीज है यार यहाँ पे। ये देखो इन्होंने कितने सारे काटे और मैंने कितनी सी पालक का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैव सम पूछे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज है हमारा डे सेकंड बोलो दीदी के घर पे एनिवर्सरी। कल दीदी की बहुत अच्छे सेलिब्रेट करी हम लोगों ने। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यारना की चल रही है, वहाँ कुहू की चल रही है। हाय कुहू, हो गई आपकी क्लास? दो, हाँ। अभी दो और है, ठीक है। तो वो इनका ड्राइंग रूम, वो इनका किचन है। और अब मैं ले चलती हूँ मंदिर में। ये इनका मंदिर है अलग से, वो बैठे हैं हमारे ठाकुर जी। देखिए ये इनका मंदिर है, यहाँ पे अलग से मतलब सेपरेट बना रखा है इन लोगों ने। तो मैं ठाकुर जी को राधा रानी को नहलाऊंगी। और दीदी यहाँ पे ले आई है नाश्ता। एंड बस हम नाश्ता करने बैठे ही थे तो हमारे महाराज ने कर दी है पोटी। कुकरी पोटी, आपने कुकरी पोटी। अब नाश्ता खाए या पोटी साफ करे इसकी? ना ना मैं करती हूँ दीदी, पोटी साफ कर लेगी इनकी महाराज की। नाश्ता ना खाए हम तो। देखिए यहाँ पे हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ साथ मूंगफली और मखाने फ्राई करके आई है दीदी, और साथ में ये और हेल्दी लेके आई है चीज, और समोसे। तो भाई पूरे बैलेंस डाइट मिल रही है मुझे यहाँ पे। और अब हम लोग आ गए छत पे, दीदी यहाँ पे कपड़े सुखाने आई है, धूप बहुत अच्छी निकल रही है यहाँ पे। और मैं भी दीदी की हेल्प कर लेती हूँ, और साथ साथ हम लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे बच्चे आ गए हेल्प कराने के लिए, अपनी अपनी मम्मी के कपड़े डलवाने के लिए। और ये देखो दीदी, ये किस चीज का पेड़ है यहाँ पे? नींबू का। हाँ। तोड़ते हो आप नींबू यहाँ से? हाँ। शुभम ने ना इनको नींबू तोड़ने के लिए भेजा बच्चों को, बच्चे नींबू तोड़ रहे हैं यहाँ पे। ये इकट्ठे कर रहे थाली लेके आ रही है करेले, इकट्ठे करो नींबू। आयु इधर आओ इधर। तो गाइस ये प्रॉपर ना ये बेसिकली एक गांव है, बट ये भी गांव रहा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है यहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं रिलेट कर सकती हूँ गांव। पहले तो मैं आपको कबूतर दिखाती हूँ इतने सारे। ये देखो शुभम को फ़ोन दे रही हूँ कि मेरे से फ़ोन गिर जाएगा। शुभम दिखाए, और गाइज ये देखो ये ना आरा होता है, आरा बेसिकली इसमें जो दूध है ना वो उबल रहा है। ये अंगीठी मतलब कोयले के नीचे जो मतलब चूल्हा जिसको बोल लो इसको आरा बोलते हैं, तो इससे दूध बनते हैं, मुझे दीदी ने बताया है। नीचे आए हो देखो क्या कर रहे हैं बच्चे, नींबू तोड़ के आए हो तुम लोग। हाँ। क्या बना रहे हो? नींबू नहीं निचोड़ रहा इनसे, निचोड़ो चलो। ऐसे बार बार नींबू, मशीन नहीं है नींबू वाली? नहीं, मम्मी से बहुत ज्यादा गिर जाता है। मिट्टी नहीं बनाना इसके अंदर? क्या? चीनी, चीनी डाल दी थोड़ी, थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी डाली। दोनों बहनें निप्पो ने बना रही है मेरे लिए भाई। गुड गर्ल, ओके थोड़ा थोड़ा डाल लेना नमक, ठीक है? हाँ, थोड़ा चलो ले आओ मामी के लिए। ये नित्या, नित्या हाय बोलो, नित्या करो हेलो। कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, छठी बच्ची है ये सातवा। हेलो बोलो, हेलो दीदी, हेलो कर दो, हेलो कर दो मामी को। इस हफ्ते का इससे ऐसे हेलो, ठीक हो आप? आप ठीक हो? ठीक हो दीदी, चले नित्या चले गाड़ी में, गाड़ी में। यहाँ पे बच्चों को सबको किसी सिखा रखी है, ये छोटी सी बच्ची ने मुझे मिर्च डाल रही है। चलो भाई ठीक है, देखते हैं। अब आप कहाँ हैं? ये शुभम, शुभम बच्चों ने बनाया, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अच्छा बना ना, मैंने भी टेस्ट किया। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम आ गए घर के बाहर, ये जीजू के घर की मेन एंट्री है, ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। और ये देखो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, चलो कैमरे में हाय बोलते। हाय हेलो, हाँ जी आ रही।
ये देखो जस्ट साइड में नींबू का पेड़ है, मतलब यहाँ से निकले नींबू तोड़ा और शिकंजी बनाई मस्त थी गर्मियों में। चलो तो अब गाड़ी में बैठते हैं, अब हम इनके खेत घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो तो अभी हम लोग घूमने आ चुके हैं यहाँ पे खेतों में। यहाँ पे ना बेसिकली बेबी कॉर्न्स की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं अंदर चल के थोड़ा सा। ये देखो ये अंकल खेत खाते हैं, जीजू मुझे बेबी कॉर्न लेके दे रहे हैं थोड़ी सी। कितने टाइम लगता है इनकी खेती बड़ी होने में जीजू? ये 4 महीने हो जाती है बस। ये देखो ये अंकल ये बेबी कॉर्न्स काट रहे हैं। पास्ता में डालते हैं, पास्ता पिज्जा गुल्ली, यहाँ पे गुल्ली बोलते हैं इसको, बस वो खाए हम। अरे वो और भी है उसमें निकाल। ये देखो पहले तो थोड़ा एक हाथ से साफ कर ले, बिल्कुल साफ कर ले, बिल्कुल साफ कर ले। अरे इसके बाल है ये वाले। ये फिर कहाँ बेचते हो आप जीजू इनको? मार्केट में जाते हैं। थैंक यू। सिले नहीं, नीचे से तोड़ देते हैं उसको। ये रखे नहीं, तो ये ले ले दो, ले ये वाले। देखो मैंने तोड़ी है। अरे इसको यहाँ से निकाल दो। ये इसके बाल मेरे थोड़ी है, अपने गंदा। कितनी मीठी होती है ये खाने में, बहुत। जी जो जा रहे हैं अंदर सिर तोड़ने के लिए। देखो इसमें निकल गए अच्छे वाले। ये देखो कितने बड़े निकले, इसमें बाल ही बाल है भाई। थैंक यू। गुल्ली गुल्ली। चलो दोबारा बैठते हैं और जाते हैं। तो सब ये देखो ये मुझे आयु ने दिया है फ्लावर। हाँ जी चलो, ये तो मुझे लेने आई है ये टिड्डी। अच्छा मुझे छोड़ के चले जाओगे? गुरु बैठने देने का पहले, अंदर मैं बैठूंगी। जा फिर बैठो सारे। आ जा, नहीं मैं नहीं जा। जीजू अपने और खेत दिखाने लेके आया, ये जीजू के खेत है। ये देखो ये मेथी पालक और इधर देखो ये है सुब्बी, जो नहाने वाला लूफा होता है ना वो होता है। वैसे कोई फ्रूट होता है क्या जीजू? तोरी, तोरी से बनता है ये लूफा। ये देखो ये शुभम तोड़ रहे हैं लूफा, देसी लूफा जो अभी आता था वेगा वेगा के लूफा आते, इतने महंगे महंगे। पहले हम बचपन में इसी से नहाते थे, हमारी गली में देने आता था ये लूफा होता है, इससे नहाते हैं। हाँ ये देखो ये आंवले का पेड़ है। आप यहाँ पे तो जीजू कितनी सारी चीजें प्योर होती है। ये पालक मेथी है, ये पालक इतनी सारी। ये पालक है अभी तो, पालक की खेत देखियो उधर अंदर। अच्छा दिखाना दिखाना सुबह में। ये देखो पता ये ना ऑनलाइन पे बिकता है इतना महंगा महंगा। इसको भी बाहर वाला तोड़ के शेल और अंदर से वो निकल के उसको भिगो के रखना पड़ता है, सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखो वो हमारी गाड़ी खड़ी है, हम खेत एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें दिख चुका है यहाँ पे पपीते का पेड़ है जीजू। ये हरे क्यों है फिर? पकेंगे अभी। अच्छा ये जो पपीते का पेड़ इतना छोटा होता है खेत दिखाती हूँ। यहाँ मतलब जो जहाँ मैंने कभी नहीं देखे सब खेत वेत, यही आके देखे मैंने। ये इसमें से कैसे निकलते हैं जीजू गेहूँ? अच्छा ये बीज होते हैं जैसे ना, जैसे जैसे ये खेतों में बखेरा पहले इसको। अच्छा फिर ना एक में से ये चार चार पांच पांच निकलते हैं। अच्छा हम जैसे ये जाएगा ना, ये इसमें से गेहूँ कैसे निकलेगा? अच्छा सूखेंगे अभी ये सूखेगा ना अभी, जैसे ये है ये ना इसके अंदर गेहूँ है। अच्छा अभी ये इसके अंदर हल्का दूध होगा, ये पक जाएगा ना, ये ये सूख जाएगा फिर दाना निकलेगा, दाना बन जाएगा इसका। फिर दाना आपको मंदिर दिखाऊं?
हमारे धर्म। और अब ये केले का पेड़ है, केले का है, ये कैसा केला है? अभी छोटा है, ये इतना बड़ा। अबे नीचे तो वैसे अच्छा वो, ओहो ये कच्चे केले, ये रे इधर से बनाए कच्चे केले ना भी है। चलो कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे, मैं तो और भी है। ये है प्रॉपर गांव। हाँ थोड़े कुछ दिनों में ये भी देखो ये केले। हाँ जी ये भी खत्म हो जाएंगे फिर। हाँ आने वाले टाइम 5 साल में ये भी खत्म हो जाएंगे मेरे। हाँ जब गवर्नमेंट ले लेगी जमीन, एक्चुअली ना जीजू के काफी जो खेत की जमीन है गवर्नमेंट ने ले ली है। वो तो वहाँ पे भी खेत होते थे आपके जीजू, जो गवर्नमेंट ने जमीन ले ली है अभी। अभी तो कितने अभी दो खेत ना, उनमें से ले लिए ना। अच्छा सही कह रहा हूँ, जितना एरिया डेवलप होता जा रहा है ना जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये तो कितना सा रास्ता है, देखो यहाँ पे जा रहे हैं हम इस रास्ते पे। कहा ये देखो ये बेर के पेड़, ये रे यहाँ पे सांप नहीं आता जीजू, सांप नहीं आता। कोई बेर है इतने सारे, बेर और नींबू के पेड़ वाले सेम ही लग रहे हैं। देखो नहीं ये ना बेर है मेरे हाथों में। देखो रास्ता कितना सा है, बिल्कुल यहाँ पे खेत है। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं जीजू के दूसरे खेतों में। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां दिख रही है, प्याज है, मेथी, पालक। पीछे मेथी है ना शुभम? ये ये पालक है, मुझे क्या है पर मुझे पता ये है प्याज। ये देखो अगर आपने मेरा वो मतलब लोग देखा ना, हम अपने गांव गए थे जो शुभम मोनिका गांव है, वहाँ पे मूली देखी थी हमने जो मैंने जमीन के से निकाली थी। अब यहाँ पे प्याज पूरा सलाद मिल जाता है भैया खेतों पे आके, मूली, गाजर, प्याज, नींबू के पेड़ है। चलो आपको मैं प्याज निकाल के दिखाती हूँ, देखती कितनी है। चलो शुभम निकालो। हाँ निकाल, आलू बीच में जा जो बोले। और ये तो प्याज, ये तो हर लहसुन है। अच्छा ये हरी प्याज है ये, सॉरी ये छोटा ही है। अच्छा ये देखो ये हरी छोटा प्याज है, बड़ा जो फिर बड़ी हो जाती है। इसके प्याज बन जाते हैं, इसी के प्याज बनते हैं, इसी के बनते हैं। कैसे बनेंगे वो तो गोल होते हैं, लंबा ये बड़ा हो जाएगा ना नीचे से गोल गोल। और शुभम कैसा लग रहा है आपको खेतों में आके? मुझे पूछना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने खेत में इतने देखे, यहीं पे आके देख रही हो। और ये हमें जो पीछे देख रही हो ये जीजू होने का ही ट्यूबवेल है। हेलो बोलते हैं, और पीछे ट्रैक्टर आ रहा है तो दीदियों पे बात कर रहे हैं ये ट्रैक्टर वाले भैया से। मैंने बोला मुझे थोड़ी देर चला दो तो मुझे बताएंगे कैसे चलता है। गाड़ी तो सीख ट्रैक्टर भी सीखूंगी मैं, जा रही हूँ ट्रैक्टर चलाने के लिए। हैवी ड्राइवर, मुझे पहला गियर कहाँ से लगता है बताओ? पहला गियर अगर गलती होगी गाड़ी ठोकेगी, गाड़ी देखो कोच आएगा, कोच आएगा, गलती कुछ नहीं होने जवान मोटर गाड़ी चलाते सीखे, ट्रैक्टर चलाते सीखे दस दिनों में। चलो रेस मत दियो, बस ब्रेक पे पैर रखियो। आगे चल, ट्रैक्टर से उतर चुके हैं। मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार ट्रैक्टर चलाया, अभी तक तो शुभम ने भी नहीं चलाया है भाई, आई मेंशन इट अगेन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैक्टर चला के, फर्स्ट थर्ड गियर तक मैंने चलाया था, बस उसके आगे नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं इधर उधर खेतों में ना कर दूँ, कहीं बेचारों की वो जो फसल है वो ख़राब ना हो जाए। पर मैंने अच्छा चलाया, आई एम नॉट अ हैवी ड्राइवर एनी मोर। देखो एक कितनी प्यारी सी लड़की मिली है, हेलो बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो, करी नहीं रही। अच्छा ये टू है, इसके अंदर जा सकते हैं? हाँ आ जाइए, ऊपर जा सकते हैं इसके ऊपर। कौन ट्यूबवेल? ये ट्यूबवेल है, ये पानी कहाँ है इसमें? ये चलता है ना, ये पानी कहाँ है? अच्छा कहाँ है? जमीन से आता है, लाइट नहीं आ रही गाइस, अभी यहाँ पे तो स्विचों पे ट्यूबवेल चला के दिखाते हैं, बच्चों के में लग गई है। देखो ये देखो ये खेती पालक तोड़ रहे ना ये लोग। अच्छा तो गाइस जीजू ने अंदर से ट्यूबवेल चला दिया और तो पानी आ गया, पानी पानी जमीन जा रहा है ना पूरा। देखो ये पालक की ये जो लगे हुए हैं ना लोग वहाँ पे,
तो इन्होंने पालक तोड़ा है, सीधा मंडी में जाएगा अब बिकने के लिए। कितना ऑर्गेनिक है, हरा हरा एकदम, पानी की आवाज। हाँ देखो, यहाँ पे ट्यूबवेल चला दिया है ना, और यहाँ से नाली के थ्रू ना पूरा पानी जो खेतों में जाता है, और जो फसल को जो पानी चाहिए होता है ना, इसके थ्रू देखो पूरा वहाँ तक जाएगा और पूरा स्प्रेड हो जाएगा इधर उधर, तो पानी मिल जाएगा खेतों को। हाँ ये देखो दीदी ऊपर जा रहे हैं, चढ़ गए हम ऊपर। ये क्या रे, उतरना भी आता है। आ गए दीदी ऊपर, देखो क्या व्यू है भाई, ऊपर बैठ के मस्त अपना क्या खेत एंजॉय करो। तो ये शुभम खाने पीने का सामान ऊपर दे रहे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स पकड़ा रहे, देखो ऊपर बैठ के खाएंगे अब। मैं भी आ जाऊँ क्या, आ सकते हो? बच्चे बैठ जाएंगे ऊपर ही, आ जाएंगे अभी, ले लेंगे इनको भी। ये क्या है, देखो ऊपर क्या मिला है, लौकी इतनी बड़ी भाई साहब, घिया कैसे पकड़ेगी, टूट जाएगी, पैक दो वहाँ पे। ओह कितनी बड़ी है, और पूरा लंगर हो जाएगा इसमें, तो छह कुकर लगेंगे इसमें। उतर जाएगी आराम से, नहीं टूटते नहीं, टूटती नहीं है, चला जा चला। नहीं 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 ये पकड़ सरिया, अरे चढ़ चल चल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये पकड़ ले, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़ ले, पैर रख, अरे पैर रखना, पैर रखना, आराम से देख के आइए। रुक गया फिर, रहने दो, जाने चला फिर, जाने चला। मम्मी मैं उधर भी डर लग रहा हूँ उतरने में। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे खाट खटड़े पे खेतों के बीचों बीच, वो हमारे जाने का टाइम होने वाला है। घर पे फोन में बैटरी भी नहीं है, इससे पहले कि मैं बैटरी खत्म हो जाए मैं आपको बता दूँ कि अब क्या अपडेट ये है, हम लोग खेत वेत घूम चुके हैं और यहाँ पे मस्त बैठे हैं अभी, और इसके 5-10 मिनट बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हमको ना यहाँ पे एक लेडी मिली है और मैंने उनसे बात भी करी है, तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, बड़ी सुंदर सी है वो। हाँ जी आ रही हूँ। तो देखो ये रही वो लेडी, आपका नाम क्या था? ओमवती है ना, ओमवती। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अभी तो खेती किसानी का काम करते हैं। अभी पालक काट रहे हो आप? अच्छा हाँ। ऐसे काटते हो? मैं को तो ये देखो इनसे ही पालक काटते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ से काटते हो, यहाँ से नीचे से चपटा ऐसे हाँ। ये देखो इन्होंने कितनी सारी काटी और मैंने कितनी सी पालक काटी है, ये देखो दिखाओ, इतनी सारी पालक कहाँ पे रखोगे इसको आप अभी? ये इसको बांध, अभी कहाँ हटे जाने? अच्छा ये से बांधते हो आप ये? हाँ अच्छा दिखा। और अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, भाई सच में बहुत मज़ा आया, सारे खेत मैंने एक्सप्लोर करा, नई नई चीज़ें भी सीखी, स्पेशली ट्रैक्टर चलाया, भाई लाइफ का सबसे बड़ा एंड यूनिक एक्सपीरियंस था। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ, और अब हम लोग आ चुके हैं घर। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली, तो मैं आपको आखिर अपडेट नहीं दे पाई थी। हमने खाना वाना खा लिया है और अब कुहू पढ़ाई कर रही है, मैं कुहू को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। कुहू पढ़ोगे मामी से ना? हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पिट्टी हो जाएगी। और अब जीजू मेरे लिए लेके आए हैं मोमोज, और क्या लाए हो जीजू? स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल मुझे वहाँ तो हरिद्वार के अच्छे नहीं लगते हैं, वहाँ तो बैद में मिलते ही नहीं है, तो यहाँ के बताऊंगी कैसे अच्छे। तो चलिए नेक्स्ट लोग मिलती हूँ, होप यू एंजॉय इट, टाटा बाय बाय।